पुकार सुनो प्राणनाथ। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, बागेश्वर धाम के दरअसल पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लाखों भक्तों के लिए अंतर्यामी बाबा हैं, लेकिन एक भक्त ने उन्हें प्राणनाथ मान लिया है, नजर भी आ रही है। बाबा से भेंट करने के लिए गंगोत्री से पद यात्रा पर निकली हैं, और जब पता चला कि बाबा तो एकांतवास पर जाने वाले हैं, तो उन्होंने लगाई है पुकार, पुकार सुनो प्राणनाथ। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। गंगोत्री से कलश यात्रा लेकर बागेश्वर धाम के लिए निकली शिव रंजनी तिवारी ने एक बार फिर अपने मन का भाव व्यक्त किया है, और इस बार तो खुलकर दिल की बात बताई है। लाखों भक्तों के बाबा यानी पंडित धीरेंद्र शास्त्री को प्राणनाथ कहकर उन्होंने संबोधित किया है। बाबा के 15 तारीख के एकांतवास में जाने की खबर से शिवरंजनी बेचैन है और प्रार्थना कर रही है कि बाबा उन्हें दर्शन देने की कृपा करें। मैं अभी से आपकी भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहती, क्योंकि हम लोग गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। करीब 1300 किलोमीटर की ये पदयात्रा, बिल्कुल मंजिल के करीब ही पहुंच चुके हैं। 50 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर था, उसमें सभी लोगों ने पदयात्रा की है, और हे मेरे प्रभु जी, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। मुझे मेरे बालाजी सरकार पर 100% भरोसा है कि उनके दरबार में जो भी आता है कभी वो निराश होके नहीं जाता है। बाबा से भेंट करने के लिए MBBS छात्रा शिवरंजनी तिवारी गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक की पदयात्रा कर रही हैं। ये पदयात्रा चित्रकूट से बागेश्वर धाम के लिए रवाना हुई है और पन्ना जिले की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। यात्रा 15 तारीख को खत्म होगी। शिवरंजनी ने 16 जून को बाबा से मुलाकात का दावा किया, लेकिन बाबा के एकांतवास में जाने की बात कही जा रही है, लेकिन शिवरंजनी को भरोसा है कि बाबा उन्हें दर्शन देंगे। उन्हें भरोसा है कि हृदय की पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी, शिवरंजनी बाबा को प्राणनाथ बता रही हैं और कह रही हैं कि बालाजी सरकार उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। हालांकि मुराद क्या है वो खुलकर नहीं बता रही, लेकिन इसे पंडित धीरेंद्र शास्त्री से विवाह की कामना को लेकर जोड़ा जा रहा है, और शिवरंजनी भी इसका खंडन नहीं कर रही हैं। शिवेंद्र सिंह बघेल, News 18, सतना। चलिए बढ़ते हैं आगे। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर एक्शन लगातार किया जा रहा है। पुलिस स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापे भी मार रही है, दबिश दे रही है, हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस FIR में नामजद स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए एक्शन में है। पुलिस ने आरोपियों के घरों पर दबिश दी। बड़ी संख्या में पुलिस बल आरोपियों के घर पहुंची, घरों की तलाशी ली, लेकिन एक भी आरोपी पकड़ में नहीं आया। गंगा जमुना स्कूल की प्रबंध समिति में मुस्लिम मेंबर्स के अलावा हिंदू और जैन समाज के लोग भी हैं। इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है और पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। पुलिस ने जैन समाज के एक व्यापारी और गंगा जमुना ट्रस्ट के ट्रस्टी शैलेंद्र जैन के घर पर भी दबिश दी। पुलिस शैलेंद्र जैन के बेटे और भतीजे को थाने ले गई। जब जैन समाज के लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो लोग गुस्से में आ गए और बड़ी संख्या में थाने पहुंच विरोध जाहिर किया।
अधिकारी इस कार्रवाई से जुड़ी जानकारी नहीं दे रहे हैं। कार्रवाई करने आए मैडम, क्या कार्रवाई है? किसको गिरफ्तार करने आई थी मैडम? मैम किसको आई थी कार्रवाई करने आई थी? क्या मामला है पूरा सर? सर क्या मामला सर पूरा? आप लोग आए बड़ी संख्या में आए सर, आप क्या मामला है सर पूरा? हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाए जाने के खुलासे के बाद गंगा जमुना स्कूल से जुड़े कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बाद स्कूल के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस अब स्कूल के प्रबंध समिति के सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। दमोह से न्यूज 18 के लिए आशीष जैन की रिपोर्ट। और आशीष जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और इस मामले में अब तक क्या अपडेट है सीधे उनसे लेते हैं। आशीष, क्या जानकारी है? परिजय, मैं आपको बता दूं कि रात के वक्त में पुलिस के द्वारा बड़ी संख्या में गंगा जमुना स्कूल के संचालकों के घरों पर दबिश दी गई, जहां पर गंगा जमुना स्कूल के जो 9 मुस्लिम 11 जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं और संचालन वो करते हैं, उनके घरों पर दबिश दी गई। इसके अलावा 2 नॉन मुस्लिम जो है, एक जैन और एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनके घरों पर भी दबिश दी गई, लेकिन कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं मिला। ऐसे में पुलिस के द्वारा उनके परिजनों को कोतवाली थाना पूछताछ के लिए लाया गया, तो यह मामला लगातार अब गिरफ्तारी को लेकर के चल रहा है। और एक और सूत्रों के अनुसार एक बात सामने निकल करके आ रही है कि गंगा जमुना पब्लिक स्कूल के कुछ शिक्षकों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, कुछ और धाराएं उसमें बढ़ाई गई हैं, कुछ नाम और जोड़े गए हैं, और इसको लेकर के एक अपडेट जो मैं आपको बता रहा हूं कि 3 लोगों को पकड़े जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा अभी तक किसी भी तरह की न तो बाइट दी गई है, ना ही इस मामले की पुष्टि की गई है। देखना यही होगा कि ये जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वह में कितनी सच्चाई है और किस तरह से गिरफ्तारी हुई। हालांकि प्रबंध संचालकों की यदि बात की जाए तो प्रबंध संचालक के किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रही है, रात के वक्त कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी जब तक प्रबंध संचालक गिरफ्तार नहीं हो जाते। लेकिन आशीष, एक चीज ये है कि एक भी प्रबंध संचालक नहीं मिला, ताबड़तोड़ छापे मारे गए, ये क्या बताता है? क्योंकि हमने देखा कि शुरुआत में इस मामले को लेकर, ये मामला जब सामने आया था तो तमाम दलीलें, तमाम सफाई देने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब जब पुलिस पहुंची है तो जांच में सहयोग करना चाहिए, एक भी संचालक नहीं मिला। निश्चित ही पुरी जी, ये बहुत बड़ी बात है। जब इस तरह का पूरा घटनाक्रम सामने आया तो पहले दिन तो संचालक सामने आए थे, दूसरे दिन भी आए, एक दिन प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और जैसे ही जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा तमाम तरह के निर्देश दिए गए तो उसके बाद से संचालक गायब हैं और अब पुलिस के द्वारा जब उन पर मामला कायम किया गया है तो उसके बाद संचालक कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। यहां तक कि गंगा जमुना समूह के दाल मिल को ले ले, धर्मकांटा को लेकर ले ले, मेंस वेयर को ले ले, उनके गोदामों को ले ले, उनके वेयरहाउस को ले ले, वहां पर तालाबंदी कार्रवाई की गई, सीलबंदी कार्रवाई की गई, उसके बावजूद भी वहां पर जिनके नाम पर वो संचालक है वो सामने नहीं आए, जबकि वो सभी संचालक जो है दमोह में निवास करते हैं। भोपाल की खबर न्यूज 18 ने प्रवक्ता के साथ पहली बार जो दिखाई वहां पर भी संचालक का जो नाम सामने आया वही भी सामने नहीं आए। तो इस तरह से लगातार लगता है कि जो संचालक है इस मामले के आने के बाद भी अब सामने नहीं आ रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के सामने नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित ही पुलिस उनके पीछे लगे हुए और लगातार छापामार कार्रवाई की बात कही जा रही है। आगामी दिनों में भी हो सकता है, संभवतः आज भी इस तरह की कोई कार्रवाई हो जिससे उनको पकड़ने की कार्रवाई की जा सके। पुनीत जी, परत दर परत पोल खुलती जा रही है या पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन संचालक मंडल का सामने न आना या पुलिस छापे जो मार रही है पुलिस से बचते फिरना, यह क्या बताता है? हालांकि हो सकता है कि सामने आए और कुछ जानकारी वो भी अपनी तरफ से रखें, फिलहाल इस खबर पर लगातार पुलिस लगी हुई है। बढ़ते आगे और अब आपको लिए चलते हैं गुना के जिला अस्पताल, जहां पर व्यवस्था, अव्यवस्था और कुव्यवस्था सब एक ही है, लेकिन सिविल सर्जन साहब के नजरिए से सब ठीक है। हे आदरणीय माननीय अस्पताल अधीक्षक जी, जाग जाइए। हे आदरणीय माननीय सिविल सर्जन जी, जाग जाइए, जाग जाइए, क्योंकि आप तो एसी की ठंडी ठंडी हवा में गहरी नींद में गोता लगा रहे हैं, लेकिन गुना जिला अस्पताल में आपकी ही नाक के नीचे मरीज
आईसीयू में कूलर पंखा चला रहे हैं। जागिए क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, जागिए क्योंकि अस्पताल में हाहाकार है, जागिए क्योंकि मरीज लाचार हैं, जाग भी जाइए श्रीमान क्योंकि 6 महीने से मरीज हैं हलका। व्यवस्था, अव्यवस्था और कुव्यवस्था का भेद आपको पता होगा, लेकिन आपके जिम्मे वाले अस्पताल में कुव्यवस्था ही अव्यवस्था और अव्यवस्था ही व्यवस्था बन चुकी है। अपने ही अस्पताल का दौरा करने की अगर फुर्सत ना हो तो चलिए न्यूज 18 लिए चलता है आपको आईसीयू वार्ड की हकीकत दिखाने। आपको तो पता होगा आईसीयू में गंभीर मरीज होते हैं, यहां लगी मशीनें सही तरीके से काम करें इसके लिए तापमान भी निश्चित होना जरूरी है। भाई आप तो चिकित्सक हैं, हर बारीकी जानते हैं, हर बारीकी समझते हैं। कूलर और पंखे लेके आए थे, उसमें कैसे आप शॉर्ट आउट करेंगे? आज मेरे को सुबह एक खबर मिली है कि छुट्टी में गया था तभी लौटा, आज खबर मिली तो आईसीयू में 2 मरीज पाए गए और वहाँ पे एसी काम नहीं कर रहा, तो ये समस्या काफ़ी पहले से है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। उसमें लंबे चौड़े बजट की आवश्यकता है, भोपाल की कंपनी उसको बोल रखा है, परंतु मैंने ये भी पाया कि जो मरीज के अटेंडेंट्स थे उन्होंने चूंकि एसी नहीं चल रहा, सिस्टर से मांगते थे, सिस्टर पंखे भी दे देती, जोर जबरदस्ती करके अपन अपने नागरिक हितों का दुरुपयोग करके राजकीय संस्था में आईसीयू जैसी महत्वपूर्ण जगह पे ऐसी खतरनाक विकल्प लगाना तो गलत है। वाह श्रीमान, धन्य हैं आप और आपकी दलील। आपको किसी अपने की सेहत को लेकर पहले से परेशान मरीजों के परिजनों की गलती तो नजर आती है, लेकिन भीषण गर्मी में 40 डिग्री तापमान में अपने ही अस्पताल की कुव्यवस्था को आप अद्भुत तरीके से नजरअंदाज कर जाते हैं। मरीजों का कहना है करीब हमको 15 दिन भर्ती हुए हो गए, हम डॉक्टर और सबसे कह चुके हैं एसी बंद है, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मुझे पता भी नहीं है, और अगर डॉक्टर्स को उन्होंने बताया होता तो ऐसा संभव नहीं है कि डॉक्टर कोई हवा पानी का इंतजाम ना करते। ये तो और भी गजब कहा आपने, आपको पता नहीं मरीज मन मर्जी कर रहे हैं, कोई रोकने वाला है नहीं, डॉक्टर से बोलते तो व्यवस्था हो जाती, तो इसका जवाब भी दे ही देते कि आखिर परिजन क्यों घर से ढो ढो कर अस्पताल में व्यवस्था बनाने को मजबूर हो गए। कूलर वगैरह कहाँ से लेके आए? कूलर हम घर से लेके आए, अपनी व्यवस्था से लेके आए हैं। ये पंखा वगैरह सब आप लेके आए घर से? हाँ? तो कूलर पंखे आप लेके घर से आए? लेके यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं। तो आईसीयू है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल का? हाँ। तो आपने बोला नहीं डॉक्टर से? बोला था ना। क्या बोले? नहीं कि फिर दिखवाएंगे, बहाने बनाते रहे कि हम दिखवाएंगे, कुछ चालू करवाएंगे। कितने दिन हो गए एडमिट हुए? 15 दिन। सच तो यह है श्रीमान की हकीकत के आईने में आपके द्वारा सब सही चल रहा है वाली बात का सच साफ साफ दिखाई पड़ता है। आपसे बस निवेदन यह है कि आदरणीय जाग जाए। विजय जोगी, न्यूज 18, गुना। जबलपुर में एक परिवार ने अपनी जिंदा बेटी को मृत घोषित कर दिया। युवती ने मुस्लिम युवक से प्रेम विवाह किया, परिवार नाराज है, उसे मरा मान शोक संदेश छपवाया, जबकि लड़की देवास में एक लड़की की मौत पर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। आरोप है कि लड़की मुस्लिम युवक से प्रताड़ित होकर अपनी जान दे चुकी है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। ये शोक संदेश किसी मृत व्यक्ति के लिए नहीं छपवाया गया। जबलपुर के एक परिवार ने अपनी जिंदा बेटी को मृत घोषित कर दिया और बकायदा शोक संदेश छपवाकर उसकी मृत्यु भोज और पिंडदान की बात कही। बेटी के मुस्लिम युवक से शादी करने पर नाराज इस परिवार ने उससे जीते जी मरा मान लिया है, उससे कुपुत्री और नरकवासी तक बताया। बताया जा रहा है कि युवती ने परिवार की जानकारी के बिना शादी की थी, इससे परिवार इतना आहत है कि बेटी को मृत घोषित कर दिया। तो एक तरफ परिवार ने बेटी को जीते जी मरा मान लिया है, लेकिन देवास में एक बेटी ने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली।
लोगों का कहना है कि लड़की ने मुस्लिम युवक के दबाव में आकर एसिड पी लिया। इस घटना के बाद हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने औद्योगिक थाने पहुंचकर हंगामा किया और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो हमने जो महिला से बयान दिलाए वो पूरे बयान पे एफआईआर नहीं हुई है। महिला ने बताया कि मेरे को यौन शोषण बनाने के लिए प्रेशर कर रहा था लड़का, तो वो लाइन भी नहीं लिखी है। हमको यहाँ से ये बोला गया कि महिला का पुलिस आएगी जब यहाँ पे एफआईआर होगी। बताया जा रहा है कि युवती ने मुस्लिम युवक से प्रताड़ित होकर जहरीला पदार्थ खा लिया था। पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदू संगठन ने थाने का घेराव करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छिपरा में एक महिला के द्वारा जो है पॉइजनिंग सब्सटेट कुछ पदार्थ खा लिया गया था, जिससे उसकी बाद में मृत्यु हो गई। उस बात को लेकर सभी लोग इकट्ठे हुए थे और उसमें कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने मर भी कायम किया है और एक पृथक से एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें हम लोग उसका पीएम करा के जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। जबलपुर में परिवार ने बेटी को मरा मार लिया। देवास का परिवार बेटी की मौत से दुखी है। हिंदू संगठनों ने मामले में कार्रवाई न किए जाने पर बंद की चेतावनी दी है, हालांकि पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। जबलपुर से पवन पटेल और देवास से वरुण राठौर की रिपोर्ट। और उज्जैन से खबर बता दें आपको, बड़ी खबर है, नागदा में लापरवाही की हद पार कर दी गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे ये लापरवाही की गई। राहगीरों की जान से खुला खिलवाड़। यहां पर लोडिंग वाहन में शेड और सरिया लाद कर ले जाया जा रहा था और ब्रेक लगाने पर ये सीधे सामने की तरफ जा गिरता है। आगे जो यात्री जा रहे थे, राहगीर जा रहे थे, वो इसकी चपेट में आते हैं। गनीमत रही बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना सरिये सीधे शरीर में जा घुसते। देखिए ये तस्वीर, बीच सड़क पर राहगीरों पर ये जा गिरा और बहुत बड़ी गनीमत रही कि बाल बाल इसमें 3 साल का मासूम बच्चा बचा है, उसका पिता हादसे में बचा है। महिला को चोट आई, दिल दहला देने वाला सीसीटीवी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।